और यहाँ पे जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन वाला बिस्किट खाइए, तो हमने अपने गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन भरवाया है। अब सोचे कि थोड़ा सा पेट में भी नाइट्रोजन भरवा लेते हैं, क्या पता इतना बड़ा नहीं हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पेट। नहीं तो ये कैसा बिस्किट है? बिस्किट नॉर्मल बिस्किट, उसमें नाइट्रोजन पड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन पेट के लिए कुछ खराबी नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ये आपके मुंह के रास्ते की हवा बन के निकल जाएगा। अच्छा कुछ भी। अच्छा ये बताइए कि ये कैसे बनाते हैं आप लोग नाइट्रोजन बिस्किट? हम स्मोक बिस्किट बनाते हैं, नॉर्मल बिस्किट है, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। आइंस्टाइन साहब आप मर गए हैं ना, जिंदा रहते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार का टैलेंट देख के जो है ना, देखिए हमने बिस्किटे में नाइट्रोजन भर दिया है। अब सोचिए ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ भरेंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, सही है ना? सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ भरने लायक रहेगा वहीं ना भरेंगे, वहीं पे भरेंगे। तो चलिए ठीक है, नाइट्रोजन जहाँ जहाँ भरा जाता है वहाँ वहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग भर सकते हैं, और जहाँ नहीं भरा जाता वहाँ पे भी भर देते हैं। क्या बोला तूने? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए देखिए खिलाइए थोड़ा सा। अरे खा चुके। A few moments later. हम तो समझे थे आप गरम खिला रहे हैं। नहीं नहीं एकदम चिल्ड है। आप तो ठंडा खिला दिए। हाँ नाइट्रोजन चिल्ड ही होता है, ठंडा होता है। आप कहाँ कहाँ से नाइट्रोजन निकल गया आपका? अरे मुंह से नाक से। मुंह से नाक से निकल गया। अच्छा ये कब से नाइट्रोजन बिस्किट खाते हैं आप? पहली बार तो हम खाए हैं, इसके पहले देखे हैं, सुने हैं। झूठ बोल रहा है। नहीं दूसरी बार खाए हैं। दूसरी बार तो पहली बार खाए थे तो आप इतना ही मोटा थे। हाँ नहीं ये भी टैलेंट ही है भारत का, वो टैलेंट भारत में ही रहे, और अगर वो टैलेंट भारत में रहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे बिस्किट में नाइट्रोजन भर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ज़्यादा चिल्ड आइसक्रीम वाइसक्रीम किसी को खाने का अगर मन हो और उससे भी ज़्यादा ठंडा खाने का मन हो तो इनके पास आ सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। म्यूजिक